नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम पाचड़ से 24 किलोमीटर का सफर करके महाड़ पहुंच चुके हैं। मेरे साथ शरद जी हैं। नमस्कार जी। महाड़ के शरद जी निवासी हैं। इस समय यहां पर आने का हमारा प्राइमरी पर्पस है, हम यहां पर एक लेक विजिट करना चाहते हैं। इस समय हम चावदार तले के बराबर ही खड़े हुए हैं, तो बरसात 15 मिनट पहले तक नहीं हो रही थी, अब अचानक तेज़ बरसात स्टार्ट हो चुकी है। और ये भी एक देखो वेदर इन्जॉय करने जैसा है। यहाँ पर हम लेक विजिट करने हैं और लेक के ऊपर ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्टैचू भी है, तो अभी थोड़ी सी बारिश थमती है तो हम दर्शन करने भी जाएंगे। थोड़ा सा आप हमें महाड़ के बारे में जानकारी दे दीजिए और इस लेक के बारे में भी। महाड़ के बारे में जानकारी देनी है तो पहले रायगढ़ की बात आती है। आपको सबको मालूम है छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी किले रायगढ़ थी, और उससे नज़दीक हुआ गांव सबसे बड़ा तो हमारा है, तो उस समय से बाजार पेट सब लगने वाली चीज़ें महार से ही जाती थी। महाराज जी का भी आना जाना था। यहाँ एक बड़ा शिव मंदिर है, वहाँ महाराज हमेशा आते थे, दर्शन करते थे। और दूसरी बात महार से जुड़ी हुई है, ये डॉक्टर साहब ने यहाँ बड़ा सत्याग्रह किया, और सत्याग्रह में महार क्यों चुना उसके लिए भी कुछ कारण है। सभी जगह सवर्ण और दलित का समस्या थी, लेकिन महाड़ में नगर पालिका ने उनको सपोर्ट किया, यहाँ का समाज भी ने उनको साथ दिया, और एक बड़ा संघर्ष करके सबके लिए पानी खुला कर दिया। चलो हम अंबेडकर जी का दर्शन कर लेंगे, छतरी ले लेते हैं। शरद जी, एक बात है, जैसे हम इस समय बरसात के टाइम ये पानी देख रहे हैं लेक का, तो ये भी एक एक्सपीरियंस है, अच्छा लग रहा है ना, बांध पानी की बूंदें पड़ रही हैं। और जैसा आपने हमें बताया कि एक समय था जब पानी का सोर्स यही हुआ करता था, तो वो भी एक अपने आप में इमेजिन करने वाली बात है कि लोग यहाँ आते थे, बैलगाड़ी से आते होंगे, पानी लेके जाते होंगे, अपना बर्तन लेके रोज सुबह आना और अपने घर का पानी लेके जाना पीने का। हाँ, कुछ देर पहले इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर ना, यहाँ पर और चिपलून में बाढ़ आई थी आज से कितना, 3 महीना पहले, 21 जुलाई को। हाँ, और सामने कोई भी बिल्डिंग देखी है और उसमें पहले माले तक पानी चला गया, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि रोड पे 15 फीट पानी की कितना नुकसान हुआ होगा। तो अब जाके 2 महीने के बाद हम देख रहे हैं लाइफ पूरी तरह से नॉर्मल हो गई है। चलो, धन्यवाद आपने समय दिया, थैंक यू। इस समय महाड़ से 2 किलोमीटर बाहर की ओर आए हैं। मैं एग्जैक्टली आपको बताता हूँ, मैं मुंबई गोवा हाईवे पे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर हम बुद्धिस्ट केव विजिट करने आए हैं। आप देखिए सामने, ये बुद्धिस्ट केव्स है। आया तो मैं सोचकर था कि मैं केव्स तक जाऊँगा, लेकिन मुझे किसी लोकल ने बताया कि वैसे तो देखो प्रॉपर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, लेकिन क्योंकि अभी बरसात होके हटी है ना, तो थोड़ा स्लिपरी हो सकता है, तो इसके लिए हमने सोचा बेटर है हम नीचे से ही केव्स देख लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए, यहाँ से अगर आप चिपलून डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मुंबई में अगर मैं साउथ मुंबई में दादर ले लूँ, तो दादर से हम लगभग 170 किलोमीटर दूर हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से 60 किलोमीटर का सफ़र करके वापस कोस्टल एरिया में जा रहे हैं, डापोली। तो हमें 1.5 घंटा लगेगा डापोली पहुँचने में, फिर वहाँ लोकल हम सी बीचेस देखेंगे। अब मुंबई गोवा हाईवे तो आप सामने देख ही रहे हैं, ट्रक आ रहे हैं, गाड़ियाँ आना जाना लगा है, तो मैं आज की तारीख में तो देखो लोग यहीं से आना जाना पसंद करते हैं, लेकिन जब ये हाईवे नहीं बना था तब कोस्टल एरिया से लोग ट्रैवल किया करते थे और गोवा जाते थे। चलिए जी, अब चलते हैं यहाँ से। मैंने सुबह से कुछ नाश्ता नहीं किया, तो मैं देखता हूँ महाड़ में हमको कुछ, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है तो एक्सप्लोर करना पड़ेगा अपन नाश्ते में क्या कर सकते हैं, फिर आगे हम डापोली को निकलेंगे। और मैं आपको बताना ही भूल गया कि ये जो केव्स है ना, वैसे इसको बोलने में बुद्धिस्ट केव बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि यहाँ पर बुद्धिस्ट लोग रहा करते थे। सेकंड चीज़, मुझे कुछ स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि इसकी जो कहानी है वो महाभारत काल से भी है, कि यहाँ पर पांडव लोग आए और वो यहाँ पर रहे, तो ये दो बातें इस केव से जुड़ी हुई। चलिए जी, चलते हैं। महाड़ में नाश्ता करने के लिए हम इनके पास जा रहे हैं, भुस्कुटे स्नैक्स कॉर्नर।
मैंने अंदर जाके पता लगा लिया है, इनके पास नाश्ते में थाली पीठ मिलेगी जो महाराष्ट्र का फेमस ब्रेकफास्ट है। चलिए चलते हैं। और पिछले 3 दिन में ना मेरे पास 3 जूते थे, तीनों पानी में भीग गए। एक आज सुबह भी हो गया और कल भी और परसों भी, तो मैं अभी चप्पल ही पहन लिया, मेरे को लगा ये थोड़ा इजी रहेगा मेरे लिए। आइए जी। जैसा मैंने आपको बताया, हम यहाँ पर नाश्ते में थाली पीठ खाने आए हैं। मैम इस ईटरी की ओनर हैं। इन्होंने बताया कि थाली पीठ बनाने के लिए ना 4 से 5 किस्म की दालें इस्तेमाल होती हैं, गेहूँ, ज्वार, चावल। तो इन सबको आप रोस्ट करते हैं और फिर उसको तलते हैं, जैसे सामने तल रहे हैं। तो थाली पीठ को किसके साथ खाया जाता है? चटनी के साथ, ये कोकोनट चटनी। तो आप हमें एक तो थाली पीठ दे दीजिए सिंगल, और रसा वड़ा मिलेगा तो एक पाव के साथ रसा वड़ा। ठीक है, हेलो जी, थाली पीठ से शुरुआत करेंगे। टू गुड, एक्सीलेंट। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले यहाँ पे देखा कि थाली पीठ बनाने के लिए जो ये दालें, चावल, ज्वार और गेहूं का आटा सा बनाते हैं ना मिक्सर बना के, तो यहाँ पर इन्होंने दिखाया कि उसको पीस के रख लेते हैं, तो फिर उसको जब कस्टमर आता है तो गूंद के तल के देते हैं। लवली, ये आप थाली पीठ का साइज़ देख लो कितना है। मुझे ऐसा लग रहा है अगर 2 थाली पीठ आपने सुबह 8 बजे खा लिया तो दोपहर में 2 बजे 3 बजे तक आपको भूख नहीं लगेगी, इस बात की फुल गारंटी है। क्योंकि इसके अंदर हर वो चीज़ है जो हमारे को ज़रूरत है अपने आप को चुस्त और तंदुरुस्त रखने के लिए। धन्यवाद। एक काम करते हैं, थाली पीठ पे वापस आएंगे, तब तक ये रस्सा वड़ा पाव भी टेस्ट करेंगे। तो अब ऐसा खाएंगे डिप करके। एग्जैक्टली वैसा स्वाद है जैसे घर के खाने, घर की चीज़ बनी हुई का स्वाद होता है ना, जिसमें मसाले बैलेंस्ड हैं और एक बड़ा यूनिक सा टेस्ट है। क्योंकि देखो, मैं यहाँ पर इस रीजन में बहुत साल के बाद ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं किसी भी टेस्ट के साथ रिलेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीज़ 4-4 साल बाद खाएंगे तो यादें भी नहीं उतनी तरोताज़ा होती। लेकिन इतना मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि थाली पीठ औसम है और रसा वड़ा पाव लाजवाब है। अभी बड़ा तो मैंने खाया नहीं, मैं रस्सा और पाव के डिश की बात कर रहा हूँ। सो भैया, दिल खुश हो गया। कुल मिला के दिन की शुरुआत बहुत शानदार हुई है। चलिए फिनिश करते हैं और अब हम आपसे मुलाकात करेंगे डापोली पहुंचकर। मैंने बताया यहाँ से डापोली पहुंचने में हमको लगभग 1.5 घंटे का टाइम लगेगा, तब तक मैं नाश्ता फिनिश करता हूं। धन्यवाद, वेरी टेस्टी। आज सुबह हम रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में थे, इस समय हम रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में हरने बीच पहुंच चुके हैं। हमें महार से यहां पहुंचने में लगभग 2 घंटे का टाइम लगा है। अगर हम कोस्टल साइड से ही यहां आ रहे होते हरिहरेश्वर से, तो रास्ते में केलशी बीच आता, अंजरले आता, फिर हम यहां पर आते। लेकिन आप जानते हो, जब हम हरिहरेश्वर थे तो वहां से हम रायगढ़ फोर्ट चले गए थे, जिसकी वजह से हमारे को कोस्टल साइड से बाहर की ओर जाना पड़ा और अब हम घूमते घूमते इधर आए हैं। थोड़ा सा समुद्र किनारे चलेंगे, पानी में पांव डालकर वॉक करेंगे और उसके बाद देखते हैं यहाँ पर हम क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पर खड़े होके। मैं आपको बताऊँ हरने बीच किस चीज़ के लिए फेमस है। यहाँ पर काफ़ी लोग ना
शाम के समय और सुबह के समय फिश ऑक्शन देखने जाते हैं, मॉर्निंग में 8 से 10 और शाम को 4 से 6। मैं पता लगाऊंगा आज फिश ऑक्शन होने वाली है कि नहीं होने वाली, क्योंकि काफ़ी बारिश हुई आज सुबह से, तो अगर होने वाली होगी तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ थोड़ा सा मैं रुक जाऊँ और शाम के समय फ़िश ऑक्शन देखें। आज से पहले मैंने एक ही बार फ़िश ऑक्शन देखी है, जब हम कोस्टल कर्नाटका टूर कर रहे थे और मैंगलोर गए थे, वहाँ पर हमने देखा था। तो इस पूरे रीजन में जो कोंकण रीजन है, यहाँ पर हरने बीच में ये एक्टिविटी बिग स्केल पे होती है। 15 मिनट पहले तक मैं सी बीच की तरफ था, आपको देखो सामने बीच दिखाई दे रहा है ना, मैं वहाँ वॉक कर रहा था। वॉक करते करते मेरे को सामने वो लाइट हाउस दिखाई दिया, वो तो मैं रास्ता ढूंढ रहा था वहाँ जाने का क्या है, तो मेरे को पता लगा एक डायरेक्शनली जहाँ जहाँ दिखता है हम चलते हैं। जितना मज़ा मेरे को बीच किनारे खड़े होकर आ रहा था, उससे ज़्यादा मज़ा इस समय मेरे को समुद्र की ये लहरें देख के आ रहा है। देखो आप सामने कितना बढ़िया लग रहा है, ऊफ व्हाट अ व्यू। समुद्र की लहरें जब इन पत्थरों पे टकरा रही हैं, इन रॉक्स पे टकरा रही हैं, तो ये बड़ा बढ़िया अनुभव है। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, थोड़ी बूंदे पानी की पड़ रही हैं। मेरा वाकई में मन हो रहा है यहाँ पर कि मैं जाकर उधर बैठ जाऊँ, लेकिन अभी अगले 5 मिनट में बारिश होने वाली है तो वहाँ जाना ठीक नहीं रहेगा, मैं पूरा भीग जाऊँगा। लेकिन यहाँ खड़े होकर अच्छा तो बहुत लग रहा है। एक चीज़ आप और देखिए, सामने आपको जो बड़ा सा आइलैंड दिख रहा है, ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से मुश्किल से 700 मीटर के आसपास होगा, वहाँ पर फोर्ट है जिसका नाम है सुवर्ण दुर्ग फोर्ट। सुवर्ण दुर्ग के सामने यहाँ पर 3 फोर्ट हैं, एक तो वो जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ, सामने आप ये बाउंड्री वॉल देख सकते हैं, इसका नाम है कनक दुर्ग। कनक दुर्ग के सामने एक फोर्ट हुआ करता था जिसका नाम है फतेह दुर्ग। इस समय वहाँ पर थोड़ी सी बाउंड्री वॉल भी दिख रही है हमें और कुछ घर दिखाई दे रहे हैं, उसके बैक साइड पे गोवा फोर्ट है। तो यहाँ टोटल आधे किलोमीटर की विसिनिटी में 4 किले हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम इस पूरे रीजन में, मैं इस पूरे रीजन की बात कर रहा हूँ, 350 से ज़्यादा किले थे जहाँ पर मराठास का कंट्रोल हुआ करता था। ये किले कुछ किले उन्होंने खुद बनाए, कुछ किले उन्होंने कैप्चर करे, तो 350 से ज़्यादा का काउंट है, जिनमें से ये 4 उसका हिस्सा है। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, बस एक कमी थोड़ी सी इस टूर में लग रही है कि अगर हम 2 महीने के बाद आते तो हम जो समुद्र के अंदर वाले किले हैं ना, वहाँ तक जा सकते थे। अभी बरसात के टाइम वो विजिट नहीं हो सकता। तो आप जब आएंगे तो आप ऐसा प्लानिंग करिएगा कि 15 अक्टूबर और दिसंबर के बीच में आइए, अगर आप आइलैंड फोर्ट विजिट करेंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और बड़ी हिस्ट्री नॉलेज भी मिलेगी। आइए थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़कर हम लाइट हाउस को चलते हैं। थोड़ी सी हाइट पे आए तो समुद्र की लहरें देखो कितनी सही लग रही हैं, सुपर। बाय गॉड व्हाट अ व्यू। सोचो हम पहाड़ के ऊपर हल्का हल्का चल रहे हैं, इस तरफ देखो आप, मैं यहाँ से दिखाता हूँ, इस तरफ भी समुंदर, देखो कैसा लग रहा है। मैंने आपको बताया कुछ देर पहले हम वहां पे थे और इधर भी अरेबियन सी, व्हाट अ एक्सक्लूसिव व्यू। हम हरने बीच से निकले मुरूड बीच जाने को, अभी हार्डली कितना 1 किलोमीटर आए होंगे, तो भूख लगी तो सोचा लंच करते हैं फिर चलेंगे मुरूड बीच। वैसे भी बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, तो हमने एक रेस्टोरेंट आइडेंटिफाई किया, इसका नाम है निसर्ग। तो यहाँ पर हमने ना 2 चीज़ मंगाई है अपने लिए, इसको ये लोग बोलते हैं टमाटर की चटनी, तो समझ लो टमाटर की बनी हुई सब्ज़ी, और ये है बैंगन मसाला। बाकी मौसम बड़ा शानदार है, बाहर बैठ के हम लंच कर रहे हैं।
तरह की टमाटर की सब्जी मेरे को बहुत पसंद है। इस तरह का टेस्ट मैंने नॉर्थ इंडिया में कहीं भी नहीं किया। उसका रीज़न एक ही हो सकता है, लोकल मसाले। जैसे फूड सर्व हुआ ना तो मेरे को एक खुशबू सी आई, तो मसालों की खुशबू थी जो मेरे को महसूस हो रही थी। गुड, अच्छा टेस्ट है। सही है। देखो बैंगन के टेस्ट में भी फर्क है। नॉर्मली जो यूनिवर्सल बैंगन चलता है ना, पर्पल कलर वाला, उसके और इसके टेस्ट में फर्क है। इससे मसाले बहुत हल्के हैं, तो जो प्योर टेस्ट आ रहा है वो हमको बैंगन का आ रहा है। बाकी जो प्याज और जो बेसिक लहसुन वगैरह डालते हैं, इसके ये चीज़ मसालेदार है। ओवरऑल अच्छी प्रिपरेशन है, फूड मुझे पसंद आया। हम फिनिश करते हैं फूड और उसके बाद जाएंगे मुरुड़ बीच, जो यहाँ से कितना मुश्किल से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और वैसे हम समुद्र किनारे ही बैठे हैं, वो देखो सामने समुद्र है। तभी मैंने बाहर बोर्ड पे भी पढ़ा था, निसग्र ऐसा लिखा था, सी फेसिंग ऐसा कुछ नाम लिखा हुआ था। सही लग रहा है। अभी तो वहाँ बरसात हो रही थी इसलिए मैं वहाँ नहीं बैठा, लेकिन वहाँ बैठ कर भी समुद्र का नज़ारा लेते लेते आप फूड इन्जॉय कर सकते हो। चलो कुछ देर में आपको ज्वाइन करते हैं। इस समय हम मुरुड़ में हैं। हमारे साथ इस समय दीपक जी हैं, नमस्कार। इनका ना कैल्शी में होम स्टे है। मैंने आपको बताया था ना, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में कैल्शी बीच है, तो हमारा पहले प्रोग्राम वहाँ पे नाइट स्टे करने का था, लेकिन फिर हम रायगढ़ फोर्ट चले गए, जिसकी वजह से हमने कोस्टल रूट नहीं लिया। अब हम वापस कोस्ट की तरफ तो आ चुके हैं। एक चीज़ बताओ, अभी आधा घंटा पहले तक तो हम थे हरने बीच में। अगर कोई वहाँ से पैदल आना चाहे यहाँ तक तो आ सकता है? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अच्छा, ऐसा किनारे किनारे से? किनारे किनारे से आ सकता है। अच्छा, आधा घंटा 40 आधा एक घंटे में आ जाता है। अच्छा, ग्रेट। बीच देखो ये ना काफी अच्छा लग रहा है, और इस समय टूरिस्ट बहुत कम है। ये जितने भी सामने आपको क्राउड दिख रहा है, ये लोकल्स ही हैं? लोकल्स ही हैं। हां, मोस्टली लोकल्स। मोस्टली लोकल्स हैं। और इस समय लो टाइड का समय है ना? लो टाइड का समय है, पानी पीछे की तरफ गया हुआ है। हां, वरना ऐसा देख के लग रहा है कि पानी यहाँ तक आता है। हां, आगे तक आ जाता है ना। हाँ, थोड़ा सा वॉक करके वहां तक चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आओ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, हाईली हाईली इम्प्रेस्ड। मेरे को मालूम सबसे अच्छा क्या लग रहा है। देखो ये जो बीच है ना, दूर दूर तक समुद्र किनारा दिखाई दे रहा है, बीच दिखाई दे रहा है, और इस तरफ भी पीछे दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। ये चीज़ मेरे को बड़ी पसंद आ रही है। हालांकि अभी लो टाइड का टाइम है, शायद ये रीज़न हो सकता है क्योंकि हाई टाइड के समय पानी आगे चला जाता है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को शांत वातावरण चाहिए, आइसोलेटेड बीच विजिट करना है, तो ये एक अच्छी चॉइस है। दीपक जी ने बताया कि यहाँ पर ना गांव है जिसके नाम से बीच है, मुरुड़ गांव। ये जो पूरी मुरुड़ बीच की लेंथ है, ये कितने मीटर है? 4.5 किलोमीटर। 4.5 किलोमीटर, ओह फैंटास्टिक फैंटास्टिक। एक मुरुड़ जंजीरा वहाँ पर है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मुरुड़, और एक रत्नागिरी का मुरुड़। लवली लवली। अच्छा एक चीज़ और बताइए, अभी तो कुछ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ नहीं दिख रही, होती हैं? होती है यहाँ पे। अच्छा, होती है, कोविड की वजह से नहीं होती? कोविड की वजह से अभी नहीं। अभी का देखो एक मैं आपको एनवायरनमेंट के बारे में खास हाईलाइट करके बताना चाहता हूँ। इस समय आसमान में जहाँ पर आप देख लो 360 डिग्री सिर्फ बादल है, एक हल्के ग्रे कलर के और दूसरे डार्क क्लाउड्स, बादल के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सूरज तो बादलों के पीछे छिप चुका है, हालांकि अभी 5:15 बजे का टाइम है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, सामने आप पहाड़ की तरफ देखो, देखो उधर से लेके ऐसे पूरे राउंड 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 करते पहाड़ यहाँ तक हैं। इन माउंटेन्स को बोलते हैं सह्याद्री रेंज। मैं पिछले 3 दिन से सह्याद्री रेंज जगह जगह देख रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इसके बारे में बात करना भूल गया था। तो पहाड़ के ऊपर से नदियाँ चलती हैं और यहाँ पर आके ड्रेन करती हैं। आप जानते हैं इंडिया में कुछ नदियाँ
बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है, कुछ नदियाँ अरेबियन सी में ड्रेन होती हैं। अब सह्याद्री माउंटेन कैसे अलग है किसी और पहाड़ से? एक तो बात है ग्रीनरी बहुत है, वैसे तो हर पहाड़ पे ग्रीनरी होती है लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। दूसरी बात यह है जो माउंटेन्स का बेसिक स्ट्रक्चर है वो रॉकी टेरेन है। मैंने ठीक बोला? लेटराइट है। रॉकी टेरेन होने से क्या होता है, नदी उतनी तेज स्पीड में फ्लो नहीं करती, उनका करंट हल्का होता है इन कंपैरिजन टू मैनी रिवर्स विच ड्रेन इन बे ऑफ बंगाल। ये मैंने वैसे ही फूड फॉर थॉट के तौर पर बता दिया। बाकी जगह बड़ी मज़ेदार है, अच्छा लगा मेरे को यहाँ पर आके। यहाँ से अगर किसी को करदे बीच जाना है या फिर लाडगढ़ बीच जाना है, जो बाय रोड जाएंगे तो शायद 9-10 किलोमीटर हो जाएगा, तो क्या बीच किनारे भी जा सकते हैं? जा सकते हैं। अच्छा, से जा सकते हैं। तो यानी आधे पौने घंटे तक आप एक घंटे में जा सकते हैं। एक घंटे में यहाँ से आप लाडगढ़ बीच पहुँच जाओगे। वाह, आप देखो लहरें कितनी अच्छी लग रही है ना। वाह, सुपर सुपर सुपर। मेरा तो मन हो रहा है कि पैदल ही चल पड़े करदे लाडगढ़ बीच। चलो बहुत बढ़िया, थोड़ा सा देर और टहलते हैं इस तरह से समुद्र किनारे लहरों के बीच, और फिर हम या तो करदे जाएंगे या लाडगढ़ बीच जाएंगे। लाडगढ़ बीच ठीक रहेगा? ठीक है, चलो और थोड़ा टहलते हैं फिर निकलेंगे। हम लाडगढ़ बीच को जा रहे थे तो रास्ते में मेरे को बड़ा क्लीन सा बीच दिखाई दिया, तो हमने गाड़ी को रोका देखने के लिए और हमें पता चला ये करदे बीच है। पता क्या चला, मतलब आइडिया था लेकिन इस बात का हमें एहसास हुआ ये करदे बीच है। आप देखो कितना साफ बीच है। इसमें खास बात पता है क्या, ये जो रॉक्स आपको दिखाई दे रही है ये थोड़े से हिस्से में है, थोड़ी यहाँ रॉक्स हैं और थोड़ी रॉक्स वहाँ हैं, बाकी दूर दूर तक सिर्फ सैंड एरिया है। आप मज़े में यहाँ पर घूम सकते हो और मुझे लगता है कि इस तरह के बीच को ना ब्लू फ्लैग रिकग्निशन मिलनी चाहिए। हाँ, इसका एक प्रोसीजर होता है, बट दिस काइंड ऑफ अ बीच डिजर्व्स अ ब्लू फ्लैग रिकग्निशन। सच अ ब्यूटीफुल बीच, मज़ा आ गया। लो जी, हम लाडगढ़ सी बीच पहुंच चुके हैं। मेरे को अभी ना दीपक जी ने बताया कि यहाँ पर आपको जितने भी होमस्टे दिखाई दे रहे हैं, अभी आ रहे थे ना तो मेरे को आधा किलोमीटर से दिखने स्टार्ट हो गए थे, इसमें हर घर में होमस्टे है। मतलब बेसिकली यहाँ के लोग फार्मर्स हैं, आपने बताया। जब टूरिस्ट आता है ना तो जिनको खेत देखने में इंटरेस्ट होता है तो उनको लेके जाके अपना फार्म दिखाते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दिखाते हैं और समझाते हैं कि हम कैसे खेती करते हैं। तो ये चीज़ सही है। ओह, अभी मेरा ध्यान नहीं गया था समुद्र की ओर, देखो सामने। वाओ, क्या बात है, ये तो एग्जैक्टली वो आपके करदे बीच की कॉपी है। सेम कॉपी है। हाँ, अच्छा यहाँ पर एक बात है दीपक जी, जो मैंने अभी नोटिस किया है, यहाँ पर ये कोकोनट के पेड़ बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, वो कोकोनट के पेड़ में ही होम स्टे है। अच्छा, जैसे सामने वो घर दिखाई दे रहा है तो नाना करते भी 12 पेड़ तो घर के अंदर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डिफरेंस और बड़ा यूनिक चीज है। ये तो यूनिक चीज है। अच्छा, सोचो मत, आप रूम से बाहर आओ कोकोनट। वाह, सो गुड। अच्छा, ये बीच भी काफी बड़ा है, हैं? क्या बोलते हो? ये भी कितना, 3-3.5 किलोमीटर होगा? 2.5 किलोमीटर। अच्छा, ये 3 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है और बीच देखो एकदम साफ सुथरा है। यहाँ देखो बच्चे कुछ खेल रहे हैं। अंधेरा होने वाला है तो एक बार पानी तक चलेंगे। बिल्कुल। ओ जी, वाओ, सो गुड। आज का हमारा प्लान ये है, यहाँ से हम जाएंगे दापोली से हम जाएंगे थोड़ी सफ़र करके जेट्टी पॉइंट तक, वहाँ से हम फेरी में खुद भी बैठेंगे और गाड़ी को लोड करेंगे और हम चले जाएंगे गुहागढ़ में। बेसिकली कुछ समय बिताना चाहता हूँ, लोकल साइट सीइंग करना चाहता हूँ, लेकिन वो क्या करेंगे वो हम कल आएंगे। आज का नाइट से हम विलनेश्वर करेंगे जो गुहागढ़ से लगभग 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, क्योंकि मैंने वहाँ पर ना बुकिंग करवा ली है। आओ जी, समुद्र की ओर चलते हैं। हम लोग समुद्र की तरफ वॉक कर रहे थे तो अचानक तेज लग रहा है बारिश आने वाली, क्योंकि बूंदाबांदी पड़नी स्टार्ट हो गई है और छतरी हमारी गाड़ी में है। तो अब क्या करना पड़ेगा, बीच आप इधर से देख लो, हम भी इधर से देख लेते हैं और
उस तरफ पार्किंग की ओर चलते, क्योंकि अभी लग रहा है बारिश तेज आने वाली है। एक बार ऊपर देखो कितने घने बादल हैं, अच्छी खासी तेज बारिश होने वाली है। सामने देखो बारिश आने से सब लोग अब उधर की तरफ भाग रहे हैं। चलो तो आपसे हम मुलाकात करते हैं थोड़ी देर में, और हो सकेगा तो यहाँ पे एक आध होमस्टे देखते हैं। बीच के सामने जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे होमस्टेज हैं, उनमें से एक होमस्टे में हम रूम देखना चाहते हैं। तो हमारे साथ ना नरेश भाई हैं, इस प्रॉपर्टी के ओनर हैं। तो आपके होमस्टे का नाम क्या है? पियर्स। पियर्स, ग्रेट। एक मैं ना चीज़ आपको बता रहा हूँ, मेरे को अंदर से ऐसी वाइब्स आ रही हैं, मेरे को नहीं मालूम ऐसा क्यों मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि ये जो करदे बीच है और ये जो जगह है ना लाडघर, यहाँ पर एक नाइट स्टे होना चाहिए। हवा जो चल रही है उसमें प्योरिटी का जो एलिमेंट है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। कोई डस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं, नॉइस लेस एनवायरनमेंट है, कोई लिमिटेड लोग हैं यहाँ पर। तो मे बी दैट इज़ द रीज़न कि मैं बड़ा आकर्षित हो रहा हूँ इस जगह के प्रति। तो बस ये है कि प्लानिंग हमने ऐसी नहीं करी तो क्या कर सकते हैं, अब रात को रह तो नहीं सकते यहाँ पे। एक आपका रूम देखना चाहेंगे। ये जो आपने कॉटेज के बाहर तरपाल डाली हुई है, ये क्या बारिश से बचने के लिए? या हेवी रेन्स रहता है। तो ये एक डेढ़ महीने बाद निकाल दोगे? हाँ, या एंड ऑफ सितंबर इट विल बी रेडी। अच्छा, तो रूम कहाँ पर है? रूम ये सामने, ये वाला। हाँ, ये। अच्छा, नाइस। नरेश जी ने बताया कि ये इनका रूम है जिसकी बात कर रहे थे। तो विद एसी का 2800 रुपये टैरिफ है और विदाउट एसी का 1800। मुझे लगता है ऐसे मौसम में एसी की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं है। साल में दो महीने चल गया तो बहुत हो गया। चलो धन्यवाद, तो हम बाहर की ओर चलते हैं। इन्होंने हमारे लिए चाय तैयार करी है, तो हम यहाँ पर बैठ के चाय पी रहे हैं। अब मैं बात करते ना डिस्टेंसेस समझने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइम कितना लगेगा हमको बेलनेश्वर पहुँचने में। तो इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ से 10 किलोमीटर दापोली, वहाँ से 30 किलोमीटर जेट्टी पॉइंट, जहाँ से हम जेट्टी में बैठेंगे और हमारी गाड़ी भी जेट्टी पे, 15-20 मिनट की राइड करके हम पहुँच जाएंगे, उतरेंगे ऑब्वियसली, और उसके बाद 30 किलोमीटर और, तो तीनों को जोड़ लो तो 70 किलोमीटर की ये टोटल जर्नी है। अब अगर हम फेरी पे ना जाकर ये सफ़र बाय रोड करना चाहें तो हमें कितना किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेगा? अप्रॉक्सीमेटली 60 किलोमीटर ज़्यादा पड़ेगा। अच्छा, तो समुद्र के रास्ते से चलने से टाइम की सेविंग है। वेरी गुड, बेहतरीन। तो अब हम यहाँ से चलने वाले हैं। दीपक जी, आपका धन्यवाद, आपने समय दिया है। और ऑलमोस्ट कितने 3:30-4 बजे से आप हमारे साथ हैं, अपना मतलब काम छोड़कर आए, यही बड़ी बात है। और हाँ, और आपको भी थैंक्स, आपने बड़ी अच्छी चाय पिलाई, साथ में आपका रूम भी देख लिया। और ये सफ़र ना मुझे बहुत पसंद आ रहा है। मैं केवल लादगढ़ की बात नहीं कर रहा, या केवल करदे बीच, या केवल मुरुड़ की बात नहीं कर रहा, मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ। जब से हमने कोंकण टूर शुरू किया है, कम शब्दों में बोलूँ तो मेरे लिए काफ़ी बड़ी डिस्कवरी है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद इतने लेट क्यों आया, मेरे को पिछले साल ही आ जाना चाहिए था, मतलब ऐसा एक बात बोलने के लिए। और दूसरी बात ये, आने का यहाँ बेस्ट टाइम कौन सा है? ये रह के मैंने कम से कम पिछले 4 दिन में बहुत सारे लोगों से पूछा कि आपके हिसाब से बेस्ट टाइम कौन सा है, तो और हर किसी ने मेरे को जवाब दिया 15 सितंबर से लेके दिसंबर भी अच्छा है, जनवरी भी अच्छा है, मतलब 15 दिसंबर लेके जनवरी। क्योंकि बेस्ट टाइम क्यों है ये, क्योंकि जितनी हरियाली आप यहाँ पे देखोगे, क्योंकि बरसात ख़त्म हो जाती है हरियाली रहती है, ये शायद आपने ज़्यादा नहीं देखी होगी इतनी हरियाली। और आई एम श्योर इंडिया में ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जहाँ पर बारिश हो जाने के बाद माहौल ऐसा ही हो जाता है, लेकिन चांस की बात है मैंने ऐसे ज़्यादा रीजन्स में ट्रैवल नहीं किया, इसलिए मेरे लिए ये काफ़ी नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम सफ़र बारिश के बाद ही करते हैं, मतलब थोड़ा इस हिसाब से करते हैं। बट यस, डिस्कवरी तो है, नो डाउट। ठीक है जी, दीपक जी धन्यवाद, आपने समय दिया। और सर जी नमस्कार और थैंक यू वेरी मच। हम डाबोल जेट्टी पॉइंट 8:20 में पहुँचे। यहाँ पर आके मैंने पता लगाया कि फेरी हमें 9 बजे की मिलेगी। हर 45 मिनट में ये सर्विस है, सुबह 6:30 बजे स्टार्ट करते हैं और रात को 10 बजे तक चलती है। 190 रुपये की तो टिकट है हमारी गाड़ी की, और 16 रुपये पर पर्सन टिकट है। तो अगर छोटी गाड़ी होगी तो टिकट प्राइस कम है। यहाँ से जो जर्नी टाइम है फेरी पे वो 10 मिनट का है। अब कुछ देर से हम इंतज़ार कर रहे थे, तो अब 9 बजने में 15 मिनट हैं। अब गाड़ियाँ एक एक करके
फेरी में लोड इन होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब मैं आपसे फेरी के अंदर पहुंच के मुलाकात करता हूं और आपको दिखाता हूं अंधेरे में जो भी दिखा सकेंगे। आइए जी। मुश्किल से 6 से 7 मिनट का हमने फेरी में सफ़र किया और हम धोपावे जट्टी पॉइंट पहुंच चुके हैं। अब हमको यहां से वेलनेश्वर जाना है। 33 किलोमीटर का ये सफ़र है। चलिए वेलनेश्वर पहुंच के आपको ज्वाइन करेंगे। फाइनली हम MTTC वेलनेश्वर पहुंच चुके हैं। यहां पर आने के बाद पहला काम हमने ये किया, लगेज रूम में रखा। जो रूम हमने लिया उसका डबल ऑक्यूपेंसी में चार्ज है 2000 रुपीज़। ऐसे ही ऑफ सीजन के चार्जेस अलग होते हैं। इस समय हम रेस्टोरेंट में हैं। डिनर में देखिए हम क्या क्या खा रहे हैं। राइस और साथ में ये आप देख रहे हैं काजू से बनी हुई सब्ज़ी, मैं काफ़ी समय के बाद खा रहा हूँ। दाल और मोदक। मोदक तो मैं पहली बार खा रहा हूँ, मुझे याद भी नहीं आज से पहले मैंने कभी भी खाया हो मोदक। मोदक को मुझे बताया गया घी के साथ खाया जाता है, मतलब टेस्ट के लिए। तो हम कहाँ से शुरुआत करेंगे? काजू की सब्ज़ी। आज से पहले मैंने 2 से 3 बार काजू की सब्जी इस तरह की खाई है, लेकिन कोकोनट के साथ पहली बार। तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट टेस्ट है। एक काम करते हैं, मोदक भी साथ के साथ ही टेस्ट कर लेते हैं। एक बाइट मैं बिना घी के लूँगा और उसके बाद घी के साथ। एक बार आप ना ये भी देख लीजिए कि मोदक नीचे से कैसा दिख रहा है। नीचे से फ्लैट है और ऊपर से जो ऐसी शेप देते हैं ना, ये हाथ से देते हैं। तो बेसिकली चावल का आटा है, जो बाहर आप देख रहे हैं ना स्किन, ये चावल का आटा है और इसके अंदर नारियल गुड़ का स्टफिंग रहता है और फ्लेवर के लिए हल्की सी इलायची का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट टेस्ट है। तो अब ऊपर से घी ऐड करके, ये ना मोदक खाने का मुझे बताया गया ये तरीका है, तो आप सबसे ज़्यादा इन्जॉय करोगे ऊपर से घी डाल देने का। टेरिफिक, वाटर टेस्ट। थोड़ा सा घी डाल देने के बाद तो नो वर्ड्स टू appreciate कि कितना टेस्टी है। तो अभी आने वाले कुछ दिनों में मैं कम से कम 2 से 3 बार मोदक और खाऊंगा एट डिफरेंट प्लेसेस, जिससे कि मेरे को और ज़्यादा ये इसका टेस्ट एक्सपीरियंस हो। वेरी टेस्टी। तो 2 मिनट के लिए मैं इसको नीचे रख रहा हूँ, जिससे मैं आपको पहले बाय बाय कर दूँ, फिर मैं फूड आराम से फिनिश करूँगा। अब देखिए, आज की जर्नी हमारी ना काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक थी, क्योंकि आप जानते हैं सुबह हम 6:15 में निकले थे पाचड़ से और अब जाके रात में हम यहाँ पर 10:15-10:30 पहुँचे हैं। अब कल का हमारा प्लान ये है कि कल हम सुबह ना गुहागढ़ जाएंगे, तो कायदे से तो हमें नाइट स्टे गुहागढ़ करना चाहिए, लेकिन यहाँ ऑलरेडी बुकिंग हो गई थी, इसलिए हमने प्लान सोचा कि सुबह ज़्यादा दूर नहीं है, 20 किलोमीटर रिटर्न चले जाएंगे गुहागढ़। और उसके बाद इस मूवमेंट पे टू बी ऑनेस्ट मैं थोड़ा 50-50 हो रहा हूँ कि मैं चिपलून जाऊँ कि ना जाऊँ, क्योंकि चिपलून जाने के लिए हमको 1.25 घंटा जाना पड़ेगा गुहागढ़ से, फिर वापस इसी रूट पर आना पड़ेगा, या फिर वहाँ से हम गणपतिपुले भी जा सकते हैं, वो ऑप्शन भी है। तो इस तरह से मैं कोई डिस्टेंस पे एक बार फाइनल करना चाहता हूँ, रात को या अर्ली मॉर्निंग टुमारो बिफोर आई स्टार्ट दी जर्नी। जर्नी मैं इंजॉय कर रहा हूँ, ये बात तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, तो मैं इस बात को रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज़ मैंने आपको आज मेंशन करनी मिस कर दी। अगर हम कोस्टल साइड से आते हैं, मतलब हरिहरेश्वर से इस तरफ को आते हैं, तो केलछी बीच आता, मैंने आपको बताया था। केलछी के बाजू में ही ना वेलास करके बीच है, एकदम उससे पहले ही आता है। वहाँ पर ना फरवरी के समय एक 15 दिन का टर्टल
फेस्टिवल लगता है, तो मास नेस्टिंग करने के लिए टर्टल्स वहाँ पर आते हैं। ये फरवरी या मार्च में कोई समय होता है 15 दिन का जब ये एक्टिविटी होती है, तो काफ़ी टूरिस्ट वो एक्टिविटी देखने के लिए भी आते हैं, मतलब वो फेस्टिवल में भी आते हैं। तो ये मैंने आपको जानकारी के लिए बताया, जिससे कि आपको अगर जैन फेब में जर्नी प्लान करनी है तो आपके माइंड में ये बात रहेगी। और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में अभी हम सफ़र कर रहे हैं, ये मैंने आपको मॉर्निंग में भी बताया था कि पहले हम रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में थे, अब हम रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं। अब 2 से 3 दिन हम यहीं पे रहेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट और वहाँ से फिर हम गोवा जाके अपनी जर्नी एंड कर देंगे। तो आपने देखा कैसे हम मुंबई से चले और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट और सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट होते हुए हम गोवा तक जाएंगे। दिस कंप्लीट रीजन इज पॉपुलरली कॉल्ड एज कोकण रीजन। वैसे तो कोकण आगे भी चलता है, लेकिन एक कॉमन टर्मिनोलॉजी में हम इस रीजन को कोकण बोलते हैं। वैसे बात करेंगे तो मुंबई इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कोकण रीजन, क्योंकि कोस्टल पार्ट है, या उससे पीछे हम धानु चले जाएं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कोकण रीजन। ठीक है जी, अब मैं आपको यहीं पे बाय बाय कर रहा हूँ, फूड फिनिश करते हैं और उसके बाद कल सुबह नया एपिसोड, नया सफ़र। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।